ताला बरका तो 16:50 और 47 सेकंड हो चुके, मतलब कि शाम के 4:50 और 52 सेकंड हो चुके। तारीख तो 24 सितंबर 2023 दिन है इतवार का, जिसे संडे कहते हैं। देख सकते हैं अंदर वाला रूम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हुआ बोलूँगा, क्योंकि कोई डायलॉग बाजी करने की आदत नहीं है। कोई अगर बात बोल रहा है 100 बार तो इसकी बात में कोई फर्क है, मतलब कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। क्योंकि सरकार ताजी लोलिया की बारगाह तो सुबह ही आया था, क्योंकि कल जो है सरकार ताजी लोलिया की बारगाह के लिए घर से 6:52 पे अपने रूम से निकल गया था शनिचर के दिन, है ना। यहाँ तक कि टेम्पू जो है मुझे 7:10 पे यशोदा चौक से गांधी बाग के लिए मिला। गांधी बाग में जो हूँ कल 7:30 पहुँच गया था। 7:30 गांधी बाग पहुँचने के बाद में, अग्रसेन चौक पहुँचने के बाद में, जिसे फुहारा चौक भी कहते, वहाँ से 7:37 पे सरकार ताजी लोलिया की बारगाह के लिए ताजबाग के लिए टेम्पू मिला। 8 बजे में 2 मिनट पहले एंट्री कर चुका था दरबार में, मैं 8 बजे एंट्री पहुंच चुका था दरबार में। क्योंकि पहुंचने के बाद में लंगर वगैरह खाना ख़त्म हो गया, तो वापिस जो है दरबार में हाजिरी दिया। गुलगुलवा होटल पे आया, जो बड़ा गेट है ताजबाग शरीफ में, ताजबाग में, तो वहाँ पे आके 1 प्लेट समोसा खाया। एक एक बात बताने की आदत है ना, क्योंकि एक भाई है तो 99 कसाई, एक दोस्त है तो 99 दुश्मन है। यहाँ तक कि वहाँ पे 35 रुपये 1 प्लेट समोसे की दिया, क्योंकि पहले के 5 रुपये बाकी भी थे जुमे शुक्रवार जुमे के दिन के, है ना। इसके बाद में जो है वापिस गया, ईशा की नमाज़ वगैरह मस्जिद में, साहिब मस्जिद में अपनी अलग पलग अलग से अलग पढ़ा, क्योंकि नमाज हो चुकी थी ना। पढ़ाई वगैरह करने के बाद में रात में लगभग जो है मुझे नींद भी लग गई थी, लगभग 11:30 नींद लगी थी साहिब मस्जिद के सामने। फिर 1:15 उठा, ताज़ा ताज़ा वजू वगैरह बनाया, पढ़ाई वगैरह किया। इसी के साथ साथ फजर तक का जो है पढ़ाई वगैरह चलती रही। और हाँ, रात में जो है 10:30 11 बजे हलवा पराठा भी खाने गया था 40 रुपये का, क्योंकि मीठा खाने का दिल था, है ना, क्योंकि पढ़ाई करता हूँ ना। फजर की नमाज़ बस्ती की मस्जिद में ताजबाग में पढ़ा। इसके बाद दरबार में वापस हाजिरी दिया। हाजिरी देने के बाद में वहाँ से जो है दरबार शरीफ से लगभग जो है मैं 35 मिनट पर निकल गया था, 6:35 पर निकल गया था। तो मुझे बड़े गेट के पास से ताजबाग से 45 मिनट पे ऑटो मिला 6:45 पे। तो गांधी बाग 7 बजे पहुंच चुका था। जैसे गांधी बाग से गोलीबाग चौक के लिए आगे बढ़ा, तो गांजा के चौक पे 7:07 पे मुझे यशोधरा नगर के लिए टेम्पू मिला। यशोधरा नगर चौक पे 7:25 पे पहुंच चुका था। 7:25 पे पहुंचा, वहां से 10 रुपये के गुलगुले लिया, आया घर पे गुलगुले खाया, पढ़ाई वगैरह भी किया। इसके बाद में आराम किया, है ना। फिर पढ़ाई चली। पढ़ाई चलने के बाद में फिर दोपहर में, मतलब कि दिन भर में लगभग जो है रात में 1.25 घंटे, ये दिन भर में 3 पौने 4 घंटे, मिनिमम 5 घंटे की नींद हुई रात को पकड़ के। क्योंकि बता चुका 17 अगस्त दिन बुधवार 2022 को 17 घंटे के दौरान से अपहरण किडने बंदी का बंधक बनाया गया था। मेरी बीवी को 1 साल 1 महीना 6 दिन हो चुके, 1 साल 1 महीना 7 दिन हो चुके। यहाँ तक कि अपहरण करने के बाद में मुझे खुद सनद मिली थी, प्लाट नंबर 451 आसिफ साकी अब्दुल वहाब, इतवार की रात लग चुकी थी, 28 अगस्त की रात लग चुकी थी 2022 की, अपहरण करके रखे। मैं आईडी बनाया था जिसमें मेरी बीवी के साथ 376 अलग की आवाज़ आ रही थी, दिलसाद करके। यहाँ तक कि मुझे पागल दीवाना मजनू सर्किट बोला गया था। इसी के साथ साथ 2022 आईडी बनाने के बाद में 28 अगस्त के बाद में सितंबर 2022 में प्लाट नंबर 451 में 376 377 जैसे काम किए जा रहे, तो मेरी बीवी की जुबान पर 1 किलोवाट, मैं अल्लाह दिलसाद को भेज दे, दिलसाद मुझे बचाओ, है ना। आप और हम जिस मुझसे अनाज खाते हो जवान को नापाक किया जाता है। लोग बोलेंगे खुद की बीवी के बारे में क्या बोल रहा, सच तो सच होता है ना, क्योंकि जहाँ सच होता है इसके अंदर शर्मिंदगी की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि गलती मेरी बीवी की थोड़ी है। बहुत मास्टर माइंड तरीके से इन लोगों ने जो गेम जो खेले है, लोग नुकसान उठाएंगे। क्या नहीं पता दिलशाद मिर्जा को, आसिफ अब्दुल वहाब का जो भाई है आकिब अब्दुल वहाब, जो 14 सितंबर 2022 को बिहार से आए थे शाम में 6:30 7 बजे बुधवार का दिन था। क्या नहीं पता है, क्यों लूंगा कदम पीछे। ताजबाग में रहते तो लोग बुराई पे रहते हैं, ये पागल आ गए, ये आ गए, वो आ गए, क्या नहीं बोलते, क्यों लूंगा। बदनाम किए थे, गांजा पीता दारू पीता, गांजा दारू जुआ सट्टा फिम चरक ड्रग्स करता पाउडर हीरोइन टोटे इंडिया हिंदुस्तान उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण भारत से बंद किया जाए, कदम पीछे नहीं लिए, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण नागपुर से बंद किया जाए। ये सब चीज़ से मुझे चिढ़, अब सरकार ताजी लोलिया की बारगाह के लिए निकलो। देख सकते हैं ताला लगा दो, वीडियो बताऊंगा, देख सकते हैं ताला लगा दिया है ना। क्योंकि अलहमदिल्ला जी जो है आपको सच की दिलशाद मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया, लोग जाएंगे रूहानी तौर पे नुकसान उठाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे। अस्सलाम।